Are you worried that you are making video ads and that ads are not creating results? Means you are investing time, you are investing money, but that video ads are not converting your prospects, not creating results. Don't worry. In this video, I'm going to give you 7 techniques, 7 tips how to create result-oriented, result-created video ads. Check this out. Hi, my name is Rushnek Singh. I am a sales growth expert and pioneer of WhatsApp marketing in India. Let's start how to create result creating, result oriented video ads. Number one, I am assuming that you are making your video ads from your mobile. So, ये बहुत important है कि आपकी mobile की placement क्या है. इसका मतलब जहाँ पर आपने video ad post करनी है अपने audience को, अपने prospects को, उन्होंने आपकी एड कैसे देखनी है, मोबाइल पर या फिर लैपटॉप या स्क्रीन पर. अगर तो उन्होंने मोबाइल पर देखनी है तो आपका मोबाइल वर्टिकल होना चाहिए ऐसे. अगर आपके ऑडियंस ने आपकी वीडियो एड देखनी है यूट्यूब पे या फिर ऐसी फ्लैट स्क्रीन पे या टीवी पे, आपकी मोबाइल स्क्रीन ऐसे होनी चाहिए. और इम्पॉर्टेंट है कि आपने फ्रंट कैमरे से मोबाइल अपना वीडियो बनाना है, बैक कैमरे से नहीं बनाना. नंबर टू, आपके मोबाइल में और आप में, यानी कि आप वीडियो शूट कर रहे हो और आपका मोबाइल का कैमरा, इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए इट शुड नॉट बी मोर देन 1 meter. बहुत दूर से नहीं बनानी और बहुत पास से भी नहीं बनानी ताकि बड़ी बड़ी स्क्रीन आए, नहीं. आपका और आपका डिस्टेंस होना चाहिए मोबाइल का 1 meter एग्जैक्टली. उसका एक रीजन और भी है कि जब आप 1 meter की दूरी से बनाते हो तो आपका जो हेड स्पेस है वो इतना रहता है कि आपके मोबाइल के टॉप एंड तक आपका हेड आ जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना आपका मोबाइल, आपका कैमरा ऐसे होना चाहिए कि आपका ये फेस यहाँ तक आए, और ना ऐसे होना चाहिए कि इतने ऊपर गैप आए. सो द राइट पोजिशन इज 1 meter गैप एंड योर हेड शुड नॉट बी पासिंग योर मोबाइल टॉप एंड. मतलब ऐसे ऊपर से गैप सिर्फ इतना सा है, नहीं गैप. राइट. नंबर 3, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि आपकी वीडियो की लेंथ कितनी है. क्या वो बहुत बड़ी है, क्या वो बहुत छोटी है. सो अगर आपके वीडियो में एक इंफॉर्मेशनल मैसेज है या वैल्यू एड मैसेज है तो उसकी लेंथ बड़ी हो सकती है. जिसको आपने, जो आपने कंटेंट डाला है वीडियो में, अगर उसको सुन समझ के अगर किसी को कुछ ऐसा बेनिफिट हो रहा है जिसके उससे लाइफ बेटर हो रही है तो वो बड़ी हो सकती है. बट अगर आपका मैसेज कुछ ऐसा है जिससे आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट सुनते ही कोई एक्शन ले आपकी वीडियो की लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 60 seconds. मैक्स टू मैक्स 80 seconds से बड़ा नहीं होना चाहिए आपका वीडियो का लेंथ. नंबर 4, जहां आप वीडियो बना रहे हो, जैसे आप वीडियो अपनी बना रहे हो, उस रूम की लाइटिंग कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइटिंग बहुत ब्राइट ना हो, बहुत डल ना हो, सिंपल सॉफ्ट लाइटिंग हो जिससे आपका फेस भी क्लियर आए और आपका मैसेज भी राइटली डिलीवर हो. ना आपका आधा फेस काला, ना आपका आधा फेस बड़ा, ऐसा कुछ ना आए. सिंपल लाइटिंग हो, ऑल द अराउंड लाइटिंग हो. राइट. नंबर 5, आपके वीडियो का CTA होना बहुत जरूरी है, कॉल टू एक्शन. मतलब आप अपने वीडियो दिखा के अपने प्रोस्पेक्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हो. या तो वहाँ आप लिखोगे बुक नाउ, रजिस्टर नाउ, कॉल नाउ, ऐसा कोई लिंक या फिर ऐसा कोई मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए जहाँ पर आपका प्रोस्पेक्ट एक्शन ले. मैं देखता हूँ कई वीडियोस आते हैं ऐसे, कॉल टू एक्शन होता ही नहीं है. ना कॉल टू एक्शन होता है, ना उसका कोई लिंक ना बटन होता है, ये मिसिंग होता है. तो आपकी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल टू एक्शन. नंबर 6, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि आप वीडियो बना के पोस्ट कहाँ कर रहे हो. अगर आप पोस्ट कर रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सॉरी माई फ्रेंड, व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको चेक नहीं करता. आप कहाँ करें इम्पॉर्टेंट है. आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? 1, सबसे इम्पॉर्टेंट, फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक बिजनेस ग्रुप्स. यस, अगर आप उसमें हैं, अगर नहीं है तो ज्वाइन एज मैनी एज फेसबुक ग्रुप्स एज यू कैन. वहाँ जाओ, वहाँ सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं और बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पोस्टिंग करो. 2, लिंक्डइन. 3, यूट्यूब. 4, इंस्टाग्राम. आप यहाँ अपने वीडियो एड्स पोस्ट कर सकते हो.
नंबर 7, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वीडियो के साथ एक स्मॉल टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है, एक स्क्रिप्ट। आपके वीडियो में क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है आपने, क्या आपने पेन को सॉल्व किया है, क्या हाईलाइट है आपकी वीडियो की, वो टेक्स्ट बहुत जरूरी है ताकि जब भी जहां भी आपका वीडियो जाए तो वो बंदा टेक्स्ट पढ़ के वो वीडियो खोले और देखे और कन्वर्जन आए। सो दिस वर द 7 स्टेप्स फॉर मेकिंग रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट क्रिएटिंग वीडियोस। एंड इफ यू थिंक आई डिजर्व अ लाइक, लाइक द वीडियो, एंड इफ यू थिंक आई डिजर्व अ सब्सक्राइब, सब्सक्राइब द वीडियो, राइट? गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।